बिहार के मुंगेर में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बिजली नहीं रहने के कारण परीक्षार्थी मोबाइल फोन की रोशनी में परीक्षा देने को मजबूर है। यह कहीं और की नहीं बल्कि मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में शुमार RD&DJ कॉलेज की तस्वीर है। विद्यार्थियों के मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक RD&DJ कॉलेज में JRS कॉलेज के छात्रों का एग्जाम सेंटर पड़ा था। यहां स्नातक पार्ट 1 और 2 की सब्सिडी के इतिहास की परीक्षा चल रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू होने से बिजली चली गई। काफी प्रयासों के बाद भी जब जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाया तो छात्रों को अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने को कहा गया। तब अंधेरे में बैठे परीक्षार्थियों ने अपना अपना मोबाइल फोन निकाला और उसके फ्लैश लाइट में एग्जाम देने लगे। छात्र एक हाथ में मोबाइल थामे हुए थे और उसकी रोशनी में दूसरे हाथ से परीक्षा दे रहे थे। छात्रों के मोबाइल टॉर्च में एग्जाम देने का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया के द्वारा कॉलेज पहुंचकर वास्तु स्थिति की जांच की गई तो यहां का नजारा वायरल वीडियो से बदतर मिला। बताया जा रहा है कि RD&DJ कॉलेज में विभिन्न कॉलेजों के लगभग 800 छात्र 11 क्लासरूम में बुधवार को परीक्षा दे रहे थे, तभी अचानक बारिश हो गई और बिजली चली गई। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जनरेटर चालू करवाने के लिए भागम भाग की गई, मगर जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। अंत में थक हार कर परीक्षार्थियों ने अपना मोबाइल निकाला, उसके फ्लैश लाइट में पेपर लिखना शुरू कर दिया। यह देखकर परीक्षा कंडक्ट करा रहे प्रोफेसर झेप गए कि इतने बड़े कॉलेज में बिजली जाने के बाद लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। परीक्षार्थियों ने कहा कि वो काफी दूर से एग्जाम देने आए हैं, मगर यहाँ किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। इस संबंध में पूछने पर RD&DJ कॉलेज के केंद्राधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि भारी बारिश की वजह से लाइट चली गई और जनरेटर भी खराब हो गया। तब आनन फानन में मिस्त्री को बुलाया गया, मगर वो भी जनरेटर ठीक करने में नाकाम रहा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तमाम दावे किए जाते हैं, मगर लापरवाही की इस तस्वीर ने उन दावों की पोल खोलकर रख दी।